यह गीता जी का चौथा उपदेश, श्रीमद् भगवद गीता जी का पांचवा। मेरे प्रिय जनों, पांचवी शिक्षा अगर आपको श्रीमद् भगवद गीता की जाननी है, वो भी बड़ी अद्भुत पांचवी शिक्षा ठाकुर जी कहते हैं, हे पार्थ, सब कुछ भगवान को ही मानो। जड़ भी मैं हूं, चेतन भी मैं हूं, प्रकृति भी मैं हूं और परमात्मा भी मैं। मतलब सब कुछ परमात्मा है, प्रकृति भी परमात्मा है, हम भी परमात्मा है, तुम भी परमात्मा हो, जगत भी परमात्मा है, सब भगवान मय है। इसलिए तो तुलसीदास जी ने चौपाई से वंदना की, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। भगवान के साथ खड़े होना। दूसरी शिक्षा, मौत से नहीं, मौत के डर से डरना है। तीसरी शिक्षा, कर्म को विचार पूर्वक करना है। चौथी शिक्षा, रोगी और भोगी नहीं, हमको कर्म योगी बनना है। और पांचवी शिक्षा, जो कुछ भी है उसे भगवान मानना है। सब भगवान, भगवान हमारे हैं। एक बात है, देखो गीता जी बड़ी अद्भुत ग्रंथ है, इसे पढ़ने के हिसाब से पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। गीता जी को कंठस्थ करने के हिसाब से पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। गीता जी को तो भगवान का अमृत मान करके अध्ययन स्वाध्याय करोगे तो ही तुम्हें गीता जी का भाव समझ में आएगा, क्योंकि संकेत में पूरा सार है। जैसे निशान लगी रहती ना रोड के किनारे, ऐसे तीर बना रहता, लंबा तीर बना रहता, चौकोर तीर बना रहता, वो निशान बताते हैं कि आगे चौराहा है, आगे मोड़ है। वैसे ही गीता जी है, गीता जी में निशान लगे हुए हैं, तो संकेत लगे हुए हैं, जो उन संकेतों को पकड़ लेता है वही भगवान की वाणी को समझ जाता है। लेकिन अब आजकल के लोग तो ठीक है, हनुमान जी बताए। एक बार हमें एक हरियाणा का आदमी मिला, हमका और बताओ कहाँ से हो, बोले गुरु जी कुरुक्षेत्र से। हमका गीता जी सुनते हो, गीता जी हाँ हाँ गुरु जी, हम तो गीता का उपदेश 35 साल से सुन रहे, 35 साल। हमका बहुत अच्छा, पर हमने कहा एक बात बताओ, तुम गीता जी का उपदेश 35 साल से सुन रहे, सुधरे नहीं हो। बोले गुरु जी आप कहीं भगवत गीता तो नहीं समझ रहे। हमने कहा हाँ। अरे बोले गुरु जी हम गीता जी को भगवत गीता नहीं कह रहे, हमारी योगाई का नाम गीता है। बोले उसका उपदेश 35 साल के सुन रहे। हम कहा तो ठीक है, फिर सुधरना मैं पक्का नहीं है, फिर तो ठीक है, बजरंग बली ही बचाए। बोलो जय सियाराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसलिए भैया श्रीमद् भगवद गीता हमारे राष्ट्र की धरोहर है। गीता सुनीता कर्तव्य है, इन्हीं शास्त्रों में ठाकुर जी के मुखारविंद से कही हुई वाणी है। हम लोगों को प्रतिदिन भगवद गीता का एक श्लोक, एक अध्याय, कुछ वाणी अवश्य पढ़नी चाहिए। जो गीता जी को पढ़ता है, गीता जी के उपदेशों को समझता है, सुनता है, उसके जीवन में तत्व बोध की प्राप्ति होती, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती और आत्म ज्ञान से वह परमात्मा के ज्ञान को पा जाता। आज सुबह की हम एक बात बताएं,
हमने आज सुबह गीता जी के ऊपर एक गीत लिखा, कहो तो सुनाएं। जहां हम रुके हैं महाराज जी के यहाँ, पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज जी के यहाँ, वहीं पर बैठे बैठे सुबह सुबह से हमने गीता जी के ऊपर एक गीत लिखा गुरु कृपा। मात पिता और गुरु गोविंद की, मात पिता और गुरु गोविंद की सेवा का सम्मान, मात पिता और गुरु गोविंद की सेवा का सम्मान, यह है गीता का ज्ञान। जय गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान है पिता और गुरु गोविंद की हो, और गुरु गोविंद की मात पिता और गुरु गोविंद की सेवा का सम्मान, मात पिता और गुरु गोविंद की सेवा का सम्मान। जय 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 हो, जय गीता का ज्ञान है। Thank you.
दिल का तन मन सुनते हो